विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है और अखिलेश यादव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाकी जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनके साथ में मौजूद हैं, पत्नी भी उनकी उनके साथ में मौजूद हैं डिंपल यादव, और संविधान की प्रतियां लेकर आज जो विपक्षी सांसद हैं उनके ज़रिए सवाल बहुत से पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ चूँकि संविधान को बचाने की भी जिम्मेदारी इंडिया अलायंस कह रहा है कि हमारे ऊपर है, क्योंकि जनता ने भरोसा दिखाया है, जो 234 का नंबर है, 234 के उस नंबर के भरोसे को हमें बरकरार रखना है, और इसीलिए ज़रूरी मुद्दों पर बात होती भी रहेगी और सवाल पूछते भी रहेंगे, और यही सवाल आज जो विपक्षी सांसद हैं उनके ज़रिए पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला जो सवाल है, एनडीए की सरकार लगातार जब तीसरी बार देश में बन गई है, उसके बाद अब जब बाकी फॉर्मेलिटीज़ की बारी है, औपचारिकताओं की बारी है, ऐसे में प्रोटम स्पीकर का चुना जाना ये विपक्ष को खटक रहा है, और उनका कहना ये है कि के सुरेश जो कि लगातार 8 बार के सांसद हैं उन्हें ना चुनकर भर्तृहरि महताब को चुना जाना गलत। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ललन सिंह ने शपथ ले ली है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी अब संभाल रहे हैं, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। इससे पहले बिहार में बड़ी भूमिकाएं उनकी रही हैं, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रहे हैं, साथ ही साथ बिहार सरकार में पूर्व मंत्री के तौर पर भी बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, और अब जिम्मेदारी केंद्र में चौथी बार ऐसा है जब लोकसभा इलेक्शन वो जीते और अब शपथ उनके जरिए ली गई है। बिहार के मुंगेर से सांसद हैं, उम्र है इनकी 69 साल। एक तरफ सरकार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है, एक एक करके सांसदों की शपथ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ संसद परिसर में ही विपक्ष की स्ट्रैटेजी अलग तरीके से सामने आ रही है, और विपक्ष का कहना यह है कि जब जनता ने वोट दिया है तो फिर वोट के साथ साथ हम सवाल भी पूछेंगे, और वो ये बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए। इमरजेंसी को लेकर जब पीएम मोदी ने सवाल किया, इमरजेंसी के दिन को याद किया, 25 जून जब उन्होंने कहा कि 50 साल पूरे हो जाएंगे उस लोकतंत्र पर काले धब्बे को, और हमारी ईश्वर नामत शपथ खाए कौ जे विधि द्वारा स्थापन करा भारतर संविधानर प्रति मय प्रकृत विश्वास और निष्ठा। विपक्ष भड़का हुआ है, और अभी जिस तरीके से नीट और नेट की परीक्षा को लेकर सवाल देश भर में उठ रहे हैं वो भी विपक्ष के पास बड़ा मुद्दा है।